स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है? टाइम एंड टेंस। इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने काफी टेंसेस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके लगभग जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस मतलब पहले ही जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो की पॉइंट है, जो मतलब जहां से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, आज उन सब चीजों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और आप जो है उन्हें कैसे कैसे खाली देखते हैं आपके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसी में एक टेंस आता है जिसको आप बोलते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट। सुना तो होगा। इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? आप इसे सोचते हैं कि सर इसे बनाने के लिए हमें पता होता है क्या है इसका रूल। आप सोचते हैं कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका मेथड है ना? लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें लगाना कहाँ है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो है आपका सिंगल सेंटेंस में नहीं आता। मतलब जैसे मैं बोलूं कि आई हैड टेकन फूड, क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं जी, क्वेश्चन बिल्कुल गलत। गलत क्यों है? इसका मतलब ये है कि जब भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आता है, ये हमेशा दो सेंटेंस की बात होती है। इसमें हमेशा दो सेंटेंस की बात होती है। उन दो सेंटेंस में से आपको ये देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहले काम किया है किस सेंटेंस ने, और किसने जो है बाद में काम किया है। बात समझ में आ गई? आप ये सोचे कि मैं ये बोल दूं कि आई हैव टेकन द फूड, इससे तो ये बोल देते यार, आप इसे पास्ट परफेक्ट में बना दो, क्या दिक्कत है? क्यों प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिक्कत है? सॉरी, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? तो कहने की बात यह है कि कभी भी पास्ट परफेक्ट जो है आपका सिंगल सेंटेंस में नहीं आता, और कहीं पे सिंगल सेंटेंस में दिया होगा तो उसे काट देना, वहीं से पेज फाड़ देना, गलत है। या तो ये अपने फेज लेके आएगा, एडवर्बियल फेज होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, ऑटोमेटिक कुछ वर्ड होते हैं जैसे येट बताया था, सो फार बताया था, जस्ट बताया है मैंने आपको, टिल बताया है, ठीक है। तो या तो ये उनके साथ आएगा, और नहीं तो हमेशा दो सेंटेंस के साथ आएगा। इसकी ही कंडीशन है। आप इसे सिंपल ऐसे सेंटेंस में लिख देंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब इसने एक नए क्वेश्चन, देखो जब भी ये कीवर्ड के साथ आता है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने बोला आई हैड ऑलरेडी टेकन, मैंने बोला आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड, तो देखो ये जो सेंटेंस है ये एकदम सही है। सही क्यों है? इसमें क्या आपका कीवर्ड है, एडवर्बियल फ्रेज है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहीं ना कहीं हिडन है। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे ये बोलूं कि आप खाना खाओगे तो आप क्या कहें, नहीं 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 मैंने अभी पहले ही खा लिया, या मैंने अभी खाया है, मैंने पहले ही खा लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड, मतलब मैंने पहले ही खा लिया। तो इसका मतलब ये कि ये आप कब बोलोगे, ये आप तब बोलोगे जब आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो कहने का मतलब, ये सेंटेंस का मतलब ये है कि ये तब बोला जाता है कि जब इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस बोला गया हो। तो बात तो दो सेंटेंस की हो गई ना। लेकिन आप खाली सीधा ये बोल दें कि आई हैड टेकन द फूड, आई हैड टेकन फूड, तो ये क्या सही है? नहीं, क्योंकि इसमें तो खाली इसी की बात है, और इसे बनाने के लिए आपको तो ऑप्शन है, ये बना लो चाहिए बना लो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? तो जो पास्ट परफेक्ट होता है ये दो सेंटेंस लेके आता है। इसमें कितने होते हैं? टू टेंस होने चाहिए, ठीक है, एक साथ, ठीक है। तो या तो कहने का मतलब ये है, या तो ये है कि दोनों सेंटेंस आपको दिए होंगे, और ऐसा नहीं होगा तो वहां पर जो एक सेंटेंस दिया होगा वो आपका किसके साथ आएगा, एडवर्बियल फ्रेज के साथ आएगा। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है
चलो मैं ये जो जो फेज है ये वैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया भी था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी मैं बताऊं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, साहब ये हेड तो लगता है, हेड तो लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन हमेशा किन के साथ आएगा सर? जैसे एवर हुआ, जस्ट हुआ, सो फार हुआ, ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी हो गया, ठीक है, टिल हो गया, जस्ट नाउ हो गया, येट हो गया, ठीक है, बिफोर आफ्टर या बाय द टाइम। बात समझ में आ गई? जैसे मैं बोलूंगा कि आए ये सेंटेंस बोला, मैंने बोला आई हैड ऑलरेडी रीच द स्टेशन, क्या हुआ एकदम सही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? या मैं इसे ऐसे बोलूंगा कि आई हैड वॉश माय क्लोथ्स बिफोर माय मदर के। या मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा कि आपका जब भी हेड आएगा या तो दो सेंटेंस के बीच आएगा, ठीक है, और नहीं तो जब भी आएगा किसके साथ आएगा? आपके कीवर्ड्स के साथ आएगा, यानी कीवर्ड्स लिख देना, इसके बाद आएगा कीवर्ड्स के साथ आएगा। बात समझ में आ गई? अब ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? देखो ये तो सीधा सीधा है कि सर इन वर्ड में से कुछ भी लिखा होगा तो समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस सही बना हुआ है। लेकिन जब ये दो सेंटेंस ये जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो चलिए इस बात को समझते हैं कि सर ये जो आप ये जो पहले आपने परफेक्ट बना दिया, ये जो बाद में आपने इंडेफिनिट बना दिया, ये आपने कैसे बनाया। तो चलिए मैं आपको इस मेथड को समझाता हूं कि कैसे जो है इन सेंटेंस को हम लोग बना लेते हैं और कितने आसानी से बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक काम कीजिए, आप कॉपी कीजिए, मैं इसे हटा के उसके बाद इस मेथड को बनाऊं, ठीक है। जब भी कभी आपके सेंटेंस के बीच में आता है एक वर्ड, इसको बोलते हैं क्या? देखो, ठीक है, या आता है कभी कभी आफ्टर, और कभी कभी देखो बिफोर का मतलब होता है किसी भी चीज से पहले। और मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी काम टाइम से पहले होता है तो क्या बनता है? परफेक्ट बनता है। ऐसी ही मतलब बाय द टाइम, क्या होता है? बाय द टाइम। बाय का मतलब होता है किसी भी चीज से पहले, किसी भी टाइम से पहले। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ऑन मंडे, ऑन मंडे, तो इसका मतलब होता है मंडे को, मंडे को, ऑन मंडे आएगा कब? ऑन मंडे, मंडे को, ऑन संडे। तो ऑन मंडे का मतलब किसी भी टाइम पे, ठीक है। लेकिन मैं बोलू बाय मंडे, मतलब मंडे से पहले। बाय लगने का मतलब होता है मंडे से पहले, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लेकिन बाय यस्टरडे मतलब बीते हुए कल से पहले। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बाय का मतलब भी वही होता है जो किसका मतलब होता है बिफोर। ध्यान से समझना है जो मेथड समझाने वाला हूं मैं आपको, खाली से देखना है और चीजों को समझ जाना, देखना हम कैसे इस मेथड को बनाते हैं। देखो जब भी मैंने बताया बिफोर का मतलब होता है किसी भी काम से पहले,
और जब भी कोई काम टाइम से पहले होता है तो हमेशा याद रखना कि वो किससे बना होता है सर, परफेक्ट में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाले सेकंड वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी काम टाइम से पहले होता है तो परफेक्ट बनता है, और जब बच्चों बिफोर से पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट बनता है तो इसके बाद वाला सेंटेंस किस में बनता है? इंडेफिनिट। बात समझ में आ गई? तो जब बिफोर से पहले वाला मतलब ये पहले है काम, तो इसका मतलब परफेक्ट बना दिया, तो आफ्टर वाले सेंटेंस में यहां पहले होता है तो इसका मतलब परफेक्ट कहां पे आ जाएगा? यहां पे। और ये जो इंडेफिनिट है कहां जाएगा? यहां पे। बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई जब आफ्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब होता है पहले। जब ये पहले काम हुआ है ठीक है, और ये बाद में होगा तो इसका मतलब ये वाला काम पहले हो गया, ठीक है। ऐसी बाय द टाइम का मतलब पहले ही होता है, तो सर इसका जो यहां पे है वो यहां पे होगा, और ये जब परफेक्ट यहां पे तो कैसे बनेगा? मतलब समझ में आया? इसका मतलब होता है टाइम से पहले, और जो टाइम से पहले काम होता है किसी मतलब परफेक्ट में, जब ये परफेक्ट बन गया तो इंडेफिनिट बनेगा। अब आफ्टर में बच्चों जब ये इसका जस्ट उल्टा होता है तो ये बाद में होगा, बाद में होगा, तो जब ये बाद में है तो इसका मतलब ये वाला काम पहले होगा, तो ये पहले ही हो गया, जस्ट यहां से इसको यहां से इसको। अतः समझ में आया? अब देखिए अगर ये वाला सेंटेंस बच्चों बना हुआ है पास्ट में, पहले वाला सेंटेंस किसमें? पास्ट में, तो इसका मतलब बाद वाला सेंटेंस भी किसमें बनेगा? पास्ट में। समझ गए? दो चीजों में हो सकता है, ये तो पास्ट में हो जाए या ये होगा फ्यूचर में। तो ये जो जब बिफोर या आफ्टर कंजक्शन लगा देंगे तो इसके बाद वाले या तो पास्ट में बनेगा, नहीं तो किसमें बनेगा? प्रेजेंट में। देखिए बहुत मैंने बताया ना, बहुत ही यूनिक मेथड है, आप इसे सीख जाएंगे तो आपके देखते के साथ ही क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखिए कैसे सॉल्व है। किसी भी सेंटेंस में आपके बीच में क्या लगा हुआ? बिफोर लगा हुआ है, तो आपको देखना कि सर अगर उससे पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में तो ये फर्स्ट है लगा दू, तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस इनडेफिनिट का पास्ट में बनेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन सर अगर बिफोर दिया हुआ है और पहला सेंटेंस किसे बनाया सर? फ्यूचर के इनडेफिनिट में, सॉरी फ्यूचर के परफेक्ट में, तो ये सेकंड है, तो बिफोर लगने के बाद इनडेफिनिट का वो भी क्या बन जाता है? प्रेजेंट। नहीं यही बात समझ में? देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको दो सेंटेंस देगा, दो सेंटेंस का कहने का मतलब ये कि दो सेंटेंस जुड़ते किससे? कंजक्शन से। ये क्या बन के आएंगे? कंजक्शन बन के आएंगे। बात समझ में आ गई? जब ये कंजक्शन बन के आएंगे तो इसका मतलब एक सेंटेंस इस साइड होगा, एक सेंटेंस इस साइड होगा। इतनी बात समझ में आ गई? और जब बच्चों इस सेंटेंस में, इस साइड जो सेंटेंस है वो आपका अगर इसका फर्स्ट है पास्ट, जैसे मान लो बिफोर आया तो इसके साथ ये आ गया, इसे वैसे तो है, ये वैसे ही तो है। देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये वाला सेंटेंस ऐसे है कि ये पास्ट दिया हुआ है और किसमें बना है? पास्ट में, परफेक्ट में, तो ये फर्स्ट है तो उसका भी फर्स्ट पास्ट किसमें होगा? इंडेफिनिट में। ये सेकंड है किसमें बना है? फ्यूचर परफेक्ट में, तो उसका इंडेफिनिट का सेकंड वाला क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे मान लीजिए कंजक्शन में कहा क्या आ गया? आफ्टर कंजक्शन में आफ्टर आ गया, आपने फर्स्ट किसमें बना होगा? पास्ट का इंडेफिनिट में, तो ये फर्स्ट है तो आफ्टर के बाद परफेक्ट का पास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा? तो आफ्टर के बाद परफेक्ट का सेकंड वाला प्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं है, एक क्वेश्चन देता हूं ध्यान से समझना। मैंने बोला दी कैप्टन अलोंग विद हिज टीम reached the stadium before the coach came। ध्यान से समझना, एक सेंटेंस दिया आपको,
ठीक है, क्वेश्चन दे दिया। तो आपने देखा था कैप्टन अलोंग विद हिज टीम रीच द स्टेशन, कंजक्शन में लगा है बिफोर, उसके बाद क्या हुआ, एक टेंस तो यहां दे दिया, एक टेंस यहां दे दिया। बात समझ में आ गई? तो आप इस बात को समझिए, सीधा जाइए मेथड पे। आपने देखा बिफोर दिया, जी हाँ बिल्कुल दिया बीच में, तो आपको ये देखना है कि सर इससे पहले वाले सेंटेंस हमेशा परफेक्ट बने होने चाहिए, लेकिन ये तो इंडेफिनिट बना हुआ है, इसका मतलब इधर गड़बड़। और इसके बाद वाले सेंटेंस किसमें बने होने चाहिए सर, इंडेफिनिट बने होने चाहिए, या तो इंडेफिनिट का पास्ट हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है। बिफोर से पहले वाला परफेक्ट होना चाहिए, या तो पास्ट हो सकता है फ्यूचर हो सकता है। तो एक बात बताओ सर, बिफोर के बाद वाला बना हुआ है सेकेंड फॉर्म में, मतलब किसमें बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सर बिफोर जब आया है तो इंडेफिनिट का पास्ट बना हुआ है सेकेंड वाला सेंटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जब वो फर्स्ट है पास्ट यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका भी फर्स्ट होगा, और किसका होगा सर, परफेक्ट। तो सेंटेंस में क्या गड़बड़ है सर, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। क्या होना चाहिए, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम हैड रीच्ड द स्टेडियम, मतलब पहले ही क्या हुआ, कैप्टन के साथ टीम पहुंच गई, किसके, कोच के आने से पहले ही कैप्टन के साथ आपकी टीम पहुंच गई। मुझे लगता है कि मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसके काफी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम किया जाए ना, आप इस मेथड को लिख दो, फिर इसके नीचे में ना एग्जांपल लिखूंगा, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ इसको, इस एग्जाम्पल को मुझे लगता है कॉपी किया हो गया होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला कि विल जॉइन द आर्मी आफ्टर, ही विल जॉइन द आर्मी आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। बात समझ में आ गई? सेंटेंस देखिए सही है गलत है, सही है गलत है, देखिए आपने कहा आगे से कंजक्शन लगा दिया आपने आफ्टर, ठीक है। अब ये लगाने के बाद सीधा मेथड पे जाओ, आपने कहा सर जब भी आफ्टर आता है तो इंडेफिनिट में बनेगा सेंटेंस उससे पहले वाला, और दो ही ऑप्शन इंडेफिनिट के क्या बन सकते हैं, या तो पास्ट में होगा या उसके फ्यूचर में होगा। तो आपने चेक किया कि सर आफ्टर से पहले वाले दो सेंटेंस है, लेकिन यहां पर बना हुआ है फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट, और इसके बाद वाला परफेक्ट का पास्ट बन सकता है या प्रेजेंट बन सकता है, लेकिन सर ये तो परफेक्ट बना नहीं है, तो इसका मतलब गलती इस बार यहां नहीं है, गलती यहां है, आया ना। और जब गलती यहां है तो ऑप्शन दो है, ऑप्शन दो क्या है कि या तो मैं पास्ट परफेक्ट बना दूं या मैं प्रेजेंट परफेक्ट बना दूं, लेकिन ये बात देखो कि इसका जो है तो इस बात को समझिए कि सर ये जो आफ्टर से पहले वाला है क्या बना हुआ है, सर फ्यूचर के इंडेफिनिट बना हुआ है, सेकंड है तो इसके बाद आफ्टर गया परफेक्ट का सेकंड क्या है सर, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे जो गलत है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा सर, ही के साथ हैज कंप्लीटली हिज ग्रेजुएशन। बात समझ में आ गई, मेथड समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो मेथड है ये बहुत ही यूनिक मेथड है, खाली बस इसमें एक वर्ड याद होना चाहिए कि सर कोई भी काम टाइम से पहले होता तो क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। तो बिफोर आता है तो पहले काम हुआ तो पहले वाला परफेक्ट, बाद वाला इंडेफिनिट, आफ्टर लगाओ इसको यहां भेजो इसको यहां भेजो, इसका मतलब भी पहले होता है ये यहां लिया है, दो ही ऑप्शन या तो पास्ट फ्यूचर या पास्ट प्रेजेंट, तो पास्ट परफेक्ट होगा तो इंडेफिनिट का पास्ट होगा और प्रेजेंट होगा तो। बस समझ में आ गया, किसी बुक में ये मेथड नहीं मिलेगा, इतना यूनिक मेथड है, आप खाली से यहां सीख जाएंगे तो आप
किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन तो लगा सकते हैं, समझ में आया। तो अब इसके अलावा एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपकी क्या हो ये मेथड बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हटा लेता हूं मैं, उसका मेथड से समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। कल जो है टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है वीडियो को ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो गई वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसके बाद से आगे से कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसा एग्जांपल लिख रहे थे हम, कि ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड। देख के बताइए सही है गलत है, देख के बताइए। तो मैंने आपको कल एक मेथड बताया था, कुछ चार्ट बताया था, तो उसमें ये था कि सर जब भी बिफोर आएगा तो उससे पहले जो भी काम होगा, मतलब पहले से कोई भी काम पहले होगा तो किससे बनेगा, परफेक्ट बनेगा। और टाइम के बाद वाला जो आएगा वो किसे बनेगा, इंडेफिनिट बनेगा। बस समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, परफेक्ट में है, जी हाँ, लेकिन किसका है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो आप उसी जाइए चार्ट में देखिए कि जब इधर वाला पास्ट परफेक्ट में होगा तो उधर वाला किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये किसे बना हुआ, परफेक्ट में। इसका मतलब हेड को हटाना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ गई। जैसे एक एग्जाम्पल वो लेते हैं, मैंने बोला After the guest left, we did the washing. देख के बताएं सही है गलत है। तो आपने कहा कि सर यहां पे जो है वो क्या दिया हुआ, आफ्टर दिया हुआ, यहां पे जो कंजक्शन है वो क्या है, आफ्टर। तो मैंने आपको मेथड बताया था, आप उसमें जाइए, उसमें देखिए। मैंने बताया था कि आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा किस लिए बना होता है, परफेक्ट में। अब इससे पहले वाला जो होगा वो किसमें बना होता है, इंडेफिनिट में। अब आप कहेंगे सर इससे पहले वाला कहां, हमने क्या किया है इस वाले क्वेश्चन में, हमने क्या किया है, इससे जो पहले वाले जो फर्स्ट सेंटेंस था इसको यहां से उठा के मैंने कॉमे के बाद यहां लगा दिया। ये तो होता है जब स्टार्टिंग में कंजक्शन दी जाती है तो जिसका फर्स्ट वाला पार्ट है उसको यहां से उठा के कहां लगा देते हैं, लास्ट में लगा देते हैं। बात समझ में आएगी। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट बना होना चाहिए, जी हाँ ये इंडेफिनिट में है। कौन से इंडेफिनिट में, सर पास्ट इंडेफिनिट में। जब ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस किसमें बना होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है किसमें होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। ये किसमें है सर, ये तो लेफ्ट लिखा हुआ, क्या लगाना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप जो मैंने आपको चार्ट बताया है उस चार्ट को जाइए, खाली देखना है, उसके हिसाब से किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, देखते हैं क्या उसे काट सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये कि टाइम से पहले जब भी काम होगा तो किस में काम होता है, हमेशा परफेक्ट में होगा, जब बाद में होगा तो इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने बोला आई washed my clothes before my mother came। देख के बताइए सही गलत है। तो आपने कहा सर बिफोर लगा हुआ है तो उसके बाद
वाला इंडेफिनिट बनता है और बिफोर से पहले वाला परफेक्ट बनता है। जी हाँ परफेक्ट बना हुआ है। बना हुआ है क्या? नहीं। सेकंड में ये कैसे पता चलेगा सर ये इंडेफिनिट का कौन सा बना हुआ है? सर पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है किसमें होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको ये बोलना पड़ेगा कि आई हैड वॉश माई क्लोथ बिफोर माई मदर केम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस मेथड से आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं हटा देता हूं और उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप जाना जब क्वेश्चन लगाना जब हो जाए तो मतलब हो ही जाएंगे, जब ना हो एक आध क्वेश्चन कभी आपको गलत लगे कि नहीं हुआ मुझसे उसे कमेंट में डाल देना, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है। हटा देंगे। इसके अलावा बुक में कुछ अलग अलग मेथड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस मेथड को बुक से मिलाना नहीं है, आपको खाली इन क्वेश्चन ये जो मेथड है उससे जाके खाली क्वेश्चन लगाना है। आपका जो भी सही आंसर होगा वो आपका इससे आ जाएगा, ठीक है। आप जाएं बुक से मिलाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो मैच ही नहीं हुआ। देखो मेथड मैच होना हो लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिए, आपका जो आंसर सही आएगा वो इससे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में अब हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, सम वर्ब्स इंडेफिनिट एंड परफेक्ट, जैसे मतलब सम वर्ब्स यूज इन बोथ इंडेफिनिट एंड परफेक्ट। जैसे ध्यान से समझना, मैंने बोला एक है वर्ड वॉन्ट, एक है वर्ड एक्सपेक्ट, ठीक है, एक है थिंक, एक है मीन, एक है इंटेंड, ठीक है। मीन हुआ, वांट हुआ, एक्सपेक्ट हुआ, एक है होता है होप, तो ये होप है, वांट है, एक्सपेक्ट है, थिंक है, मीन है, इंटेंड है, सपोज है। ध्यान से समझना, जब भी ये वर्ब आएंगी, जब भी ये वर्ब आएंगी तो अगर ये आई पास्ट परफेक्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो काम होना था, मतलब इन वर्ब से जो काम होना था वो काम आपका नहीं होगा। आपने अगर सेंटेंस बनाया है पास्ट परफेक्ट तो क्या होगा? जो भी काम होगा वो तो काम नहीं होगा। इसका जो मतलब होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही जो है बने हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका मतलब वो काम आपका होगा, काम होगा। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं कि चीज कैसे होता है। जैसे मान लो चलिए मैंने बोला I had wanted to help my friend। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया मैंने बोला I had wanted, आपने कहा wanted वो वर्ब है जो परफेक्ट में भी आती है साथ में इंडेफिनिट में भी आती है। लेकिन wanted यहां पे किसके साथ आया सर? पास्ट परफेक्ट के, इसके साथ आया सर पास्ट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस का मतलब है कि आई हैड वॉन्टेड, मैं चाहता तो था टू हेल्प माई फ्रेंड, लेकिन इसका मतलब ये है कि बट आई कुड नॉट, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता तो था कि हेल्प करना किसकी? अपने दोस्त की, लेकिन हेल्प मुझसे हो ना सकी, मैं उसकी हेल्प कर ना सका, इसका मतलब ये हुआ। बस समझ में आ गई? आप इसे कहते हैं आई हैड वॉन्टेड, मतलब चाहता था लेकिन वो काम हुआ नहीं। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि आई वॉन्टेड, ध्यान देता हूं, आई वॉन्टेड टू हेल्प माई फ्रेंड,
तो इसका मतलब यह है कि मैं चाहता था उसकी हेल्प करना और मैंने एक काम किया, इसका मतलब होता है ये। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला कि ये भी ले लेता हूं, ठीक है, उसके बाद ध्यान समझ लेना कि had intended to meet me in evening. But he was ill. मैंने बोला he had intended to meet me in evening. उसका intention तो था मुझसे मिलने का शाम को, लेकिन वो क्या है, वो क्या था, बीमार। तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे मिला नहीं। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये वर्ड आए और ये आपको किसमें मिले, पास्ट परफेक्ट मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये काम होना तो था लेकिन वो काम आपका नहीं होगा। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए वो, तो इसका मतलब ये कि ये काम आपका हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड भी समझ में आ गए होंगे। और ये किसमें यूज होते हैं, हमेशा पास्ट परफेक्ट का ही मेथड है, ठीक है। लेकिन जब ये इंडेफिनिट में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि जब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो काम हो जाता है और जब पास्ट परफेक्ट में आएगा तो काम नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। जैसे ही हैड इंटेंडेड टू गो टू USA लास्ट ईयर। मैंने बोला ही हैड इंटेंडेड टू गो टू USA लास्ट ईयर, तो इसका मतलब ये है कि उसका इंटेंशन तो था लेकिन वो एक काम नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? तो बस इतनी सी बात समझना है कि सर होप हुआ, वॉन्ट हुआ, एक्सपेक्ट हुआ, थिंक हुआ, मीन हुआ, इंटेंड हुआ, सपोज हुआ, ये जो वर्ब है ये आपके पास इंडेफिनिट भी आती है, उसका मतलब काम हो जाना है, और पास्ट परफेक्ट में आना है मतलब काम नहीं होता, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस हमने पढ़ा वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब सिंगल सेंटेंस में आता है तो अपने वर्ड लेके आएगा, कीवर्ड लेके आएगा, जब दो सेंटेंस में आता है तो हमने आपको बताया कि कैसे कैसे आफ्टर लगता है, बिफोर लगता है, उससे सेंटेंस बन जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब के साथ आएगा इसका मतलब होता है कि उसका काम नहीं होना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अब ध्यान से समझना, एक सेंटेंस आता है जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे के आएगा। तो हमने जो अभी तक समझा है, हमने ये समझा है कि ये भी जब भी आता है तो इसे बनाने का रूल क्या है कि सर आपको सब्जेक्ट देगा, आप देखते हैं कि इसमें हैज या हैव बीन लगा होता है और उसके साथ आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आप देखते हैं कि एक तो सिंस लगा होता है और साथ में क्या लगा होता है फोर, और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम दिया होता है। ये बनाने का मेथड है। तो पहले तो एक बात समझते हैं कि ये सिंस एंड फोर आता कहाँ है, पहले तो इस बात को समझते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो है, ये जो सिंस एंड फोर है, ये आपके जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था ये आपका इन सेंटेंस में भी यूज होता है सिंस एंड फोर। कैसे यूज होता है? तो पहले काम
समझते हैं कि ये दोनों क्या है, कहां पे यूज होगा, पहले इन चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद ये इस सेंटेंस में कब आएगा और इसमें कब आएगा। कहने का मतलब प्रेजेंट से मतलब नहीं है, ये खाली परफेक्ट नहीं आता है, परफेक्ट दो तीनों में आ सकता है, ठीक है, और तीनों प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों में आ सकता है, ठीक है, प्रेजेंट हुआ चाहे पास्ट हुआ चाहे फ्यूचर हुआ, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंस में ये आ सकता है और इसके प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर इन तीनों में भी ये आ सकता है। बात समझ में आ गई, कैसे आता है उस बात को समझते हैं। उसे समझने से पहले तो इस मेथड को आप लिख लेना इसमें क्या लगता है, ठीक है, और इसके पास्ट में उसे भी लिख ही लीजिए, फिर तीनों को मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। किससे उसमें हेड आता है और हेड में क्या लग जाता है, बीन लगता है और फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद सिंसन, ठीक है, और ऐसी उसमें फ्यूचर में ये तो पास्ट है, फ्यूचर में क्या आता है, विल शैल हैव बीन, उसके बाद ये, ठीक है। तो इन को आप लिख लेना, उसके बाद हम तीनों को मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा टाइम, एक्सप्रेस टाइम। ये क्या होता है, ये वो होता है जो बताता है किसी चीज के ड्यूरेशन को, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें आपका सिंस भी यूज होता है और साथ में इसमें यूज होता है आपका क्या, फो। मतलब सिंस एंड फो जब भी आएंगे वो कौन सा टाइम होना चाहिए, एक्सप्रेस टाइम होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जी बनेगा कैसे, इसे बनाने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा टाइम, पॉइंटेड टाइम। कौन सा टाइम, पॉइंटेड टाइम, मुझे याद दिला दो क्या होता है पॉइंटेड टाइम। जैसे यस्टरडे पढ़ाया था, जहां बोलते हैं यस्टरडे प्लस टाइम है ना, यस्टरडे प्लस टाइम का मतलब होता है यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया था लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो आपने कहा कि सर डायरेक्ट लिखो लास्ट प्लस टाइम, बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट प्लस टाइम, इसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है, ऑन प्लस टाइम, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, एट प्लस टाइम, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, ठीक है। इसके अलावा ठीक है इन प्लस टाइम, इन 2010, 2008, तो ये सभी क्या है, ये वो टाइम है जो क्या कहलाते हैं, पॉइंटेड टाइम। लेकिन इस टाइम से किसी चीज का स्टार्ट हो जाना, पॉइंटेड टाइम से किसी चीज का स्टार्ट हो जाना, जैसे मैंने बोला कि वह आएगा कब, मंडे को, लेकिन मैं ये बोलूं कि मंडे से ये काम चालू है, मंडे से ये काम कंटिन्यू है, तो मंडे से किसी चीज का स्टार्ट होना ही क्या कहलाता है, एक्सप्रेस टाइम। मंडे को किसी काम का होना क्या कहलाता है, पॉइंटेड टाइम। मतलब इन्हीं टाइम में अगर मैं सिंस लगा दूं या फोल लगा दूं, आपका बन जाता है एक्सप्रेस टाइम। लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि जब भी आएंगे, या तो सेंटेंस आपका इंडेफिनिट बना था लास्ट वाली वीडियो में बताया था, या वो आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूस बना था। देखिए जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो इस मेथड को अगर ध्यान से पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिक उसके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए बोला इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। जैसे कॉन्टिन्यूस में नेक्स्ट की बात होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं, ठीक है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस बताया था मैंने आपको, उसमें क्या होता है ड्यूरेशन होता है, ठीक है,
तो एग्जैक्ट टाइम पे कोई काम होगा तो कहलाएगा पॉइंटेड टाइम, वो सेंटेंस बना होगा कोई भी इंडेफिनेट या कोई भी कंटिन्यूअस। लेकिन इन टाइम से किसी चीज का स्टार्ट हो जाना, जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला यस्टरडे, तो आपने कहा यस्टरडे तो पॉइंटेड टाइम है, लेकिन मैंने इसे बोल दिया, इसे लगा दिया इसमें सिंस, मैंने बोला सिंस यस्टरडे, तो इसका मतलब होगा यस्टरडे, मैंने बोला वह आया कल, लेकिन कोई चीज स्टार्ट है यस्टरडे से, सिंस का मतलब क्या होता है से, कॉल का मतलब होता है से, तो यस्टरडे से, तो सिंस यस्टरडे होगा तो क्या कहलाएगा एक्सप्रेस टाइम, और जब ये वाला टाइम आएगा तो सेंटेंस या तो परफेक्ट बनेगा, नहीं तो बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा, ये दोनों कैसे बनेंगे ये बताऊंगा। फिलहाल इस बात को समझिए जो मैं समझाना चाहता हूं कि पॉइंटेड टाइम वो है जो फिक्स टाइम है, लेकिन पॉइंटेड टाइम से किसी चीज का स्टार्ट हो जाना ही क्या कहलाता है एक्सप्रेस टाइम के। समझ में आया, जैसे आपको दिया लास्ट ईयर, क्या दे दिया लास्ट ईयर, लेकिन मैं लास्ट ईयर ना बोल के मैंने बोला सिंस लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर से, तो अब जो है वो कौन सा टाइम बन गया एक्सप्रेस। बस समझ में आ गई। इसके अलावा जैसे बच्चों होता है ना, कोई भी डे हुआ, कोई भी, देखो इन दोनों में डिफरेंस समझ जाना कि कोई भी डे हुआ, कोई भी मंथ हुआ, कोई भी ईयर हुआ, अगर इनके पहले कोई भी लगा हुआ है नंबर तो आप लगाओगे क्या फोर, लेकिन इन्हीं का दिया हुआ है यहां पे नाम तो लगाएंगे सिंस। जैसे कोई भी मैंने बोला टू डेज तो क्या लगा दोगे फोर, लेकिन मैंने बोला डे की जगह लिख दिया मंडे तो क्या लगा दोगे सिंस। लेकिन होंगे कौन सा ही एक्सप्रेस टाइम और टेंस कौन सा बना हुआ, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई। जैसे मंथ है, मैंने बोला फाइव मंथ्स तो क्या लगा दोगे फोर, फाइव मंथ से ना, जैसे यहां पर लिख देते हैं फोर फाइव मंथ्स, तो आपने कहा सर ये जो है फोर ठीक है, लेकिन मैंने बोला जून से तो सिंस जून, लेकिन दोनों ही ये दोनों ही किसमें आते हैं एक्सप्रेस टाइम में, और ये जिसमें लगे होंगे या तो वो परफेक्ट बना होगा या वो बना होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला यहीं पे बोला मंडे जून या 2010, मतलब इनका नाम हुआ तो सिंस ठीक है, और इनके आगे नंबर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे। समझ में आया नहीं है कैसे क्या समझाना क्या चाहता हूं मैं, देखिए ध्यान से, जगह नहीं है कहां लिखूं, तो एक काम किया जाए पॉइंटेड टाइम तो आपने पहले भी लिखा है ठीक है, इसको चाहे तो दोबारा से आप लिख लेना पोज करके, मैं यहां एक तो एग्जांपल देता हूं उसके बाद समझाता हूं ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, अगर ये समझ गए आप तो टेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता आपसे। देखिए जैसे मैंने बोला, ध्यान से समझिए, मैंने बोला ही हैज कंप्लीटेड दिस वर्क लास्ट ईयर, तो आपने ध्यान से देखा, आपने कहा अरे सर ये तो लास्ट ईयर दिया हुआ है, ये होता है पॉइंटेड टाइम, कौन सा टाइम पॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम का मतलब होता है सेंटेंस इंडेफिनिट बनना है या कंटिन्यूस बनना, देखिए कैसे चेक होता है इंडेफिनिट बनना है या कंटिन्यूस बनना। अब लास्ट ईयर की बात है तो इंडेफिनिट बनेगा ठीक है, क्योंकि काम कंप्लीट की बात है इंडेफिनिट बनेगा, इंडेफिनिट पर लास्ट में कौन सा होगा सर पास्ट इंडेफिनिट, तो आपने इसे हैज को काटा क्या बना दिया क्वेश्चन सही ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोला होता, क्या बोला होता कि लास्ट ईयर से पहले, इसको यहां से यहां नहीं देता, मैंने बोला कि
ही वॉज डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट ईयर। जैसे ये वाला सेंटेंस दे दिया, मैंने बोला ही वॉज डूइंग दिस वर्क लास्ट ईयर में, पहले क्या लगा दिया सिंस लगा दिया। तो अब ये देखो लास्ट ईयर खाली था तो पॉइंटेड टाइम होता, लेकिन अब इसमें लग गया सिंस, तो इसका मतलब होता है लास्ट ईयर से। अब तो इसका मतलब ये सब सिंस लगते के साथ ही समझ में आया सेंटेंस बन गया कौन सा एक्सप्रेस टाइम, और एक्सप्रेस के दो ही कंडीशन, या तो परफेक्ट बनेगा और नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। अब ये क्या है खाली कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या बनेगा वॉज का तो अब लगा दो है बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट। बात समझ में आ गई, तो बस खाली क्या देखना है। अब ये मत कहना कि सर यहां अगर मैं टाइम को, देखो टाइम को नहीं बदल सकते, टाइम को नहीं बदल सकते, टाइम से एक्शन बदल जाते हैं, लेकिन टाइम हमेशा वही होता है टाइम। अब ये नहीं कहना कि सर लास्ट ईयर हटा दिया मैंने, सिंस ही हटा दिया, नहीं 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 ये नहीं चेंज होते ठीक है, टाइम कभी चेंज नहीं होता, आपका एक्शन चेंज हो जाता, टाइम चेंज नहीं होता। हाँ टाइम के हिसाब से आपके एक्शन में चेंज होगा। बस समझ में, जैसे फिर से लिखे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है हटा दूं इसको। देखिए ध्यान से समझिए, मैंने बोला ही नो मी फॉर टू इयर्स, क्या ये क्वेश्चन सही है? तो पहली बात तो हमने अच्छा इस बात को समझा सर, इयर्स में क्या लगा हुआ है, ईयर में नंबर लगा हुआ है, तो मतलब फोर ही आएगा ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन फोर आने का मतलब ये है कि कौन सा टाइम हो गया सर एक्सप्रेस हो गया, और ये या तो परफेक्ट में होगा और नहीं तो क्या बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब एक बार तो अगर ये काम कंटिन्यू है तो परफेक्ट कंटिन्यूस बना दो, लेकिन कोई काम हुआ है तो परफेक्ट बना दो। तो अब एक बात बताओ उसे नो का मतलब, नो का एनजी कंटिन्यूस नहीं बनता, मैंने स्टेटिक वर्ब से लिखवाई थी ना फिक्स, जो ऑन हैव आप लोगों को लिखवाया था, फील लिखवाया था ठीक है, अब ये लिखवाया था, तो उन सब में मैंने नो भी लिखवाया होगा, नो का कभी कंटिन्यूस नहीं बनता, तो कंटिन्यूस बनता तो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा, क्या बनेगा परफेक्ट। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सही होगा, क्योंकि बनाना एक्सप्रेस टाइम है, तो बनाना या तो परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ही हैज नोन मी फॉर टू इयर्स। बात समझ में आ गई। आप इस बात से ये भी लगा सकते हैं कि एक मेथड, देखो यहां से एक मेथड ही बनता है, क्या बनता है मैं इसे हटा देता हूं, देखिए कि सर इनडेफिनेट सेंटेंस है, कोई भी इनडेफिनेट सेंटेंस है उसमें आप जोड़ देते हो एक्सप्रेस टाइम, कौन सा एक्सप्रेस टाइम। एक्सप्रेस टाइम क्या होता है, जो सिंस एंड फोर के साथ आते हैं उसमें क्या लगा होता है टाइम, उसी को बोलते हैं एक्सप्रेस टाइम, इसका मतलब होता है इस टाइम से। बात समझ में आ गई। तो जब भी इंडेफिनेट में आप एक्सप्रेस टाइम लगा देते हो तो वो आपका बन जाता है परफेक्ट। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा कि कौन सा परफेक्ट है, लेकिन अगर यही एक्सप्रेस टाइम आपका किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आता है क्या आ जाता है, वही एक्सप्रेस टाइम, तो आपका सेंटेंस बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आया जैसे, ठीक है तो क्या समझ में आया कि इंडेफिनेट में एक्सप्रेस टाइम जुड़ेगा तो परफेक्ट बन जाएगा, और कॉन्टिन्यूस में एक्सप्रेस टाइम आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। बात समझ में आ गई ठीक है। और एक्सप्रेस टाइम क्या होता है, जो सिंस एंड फोर के साथ टाइम आता है, पॉइंटेड टाइम में सिंस एंड फोर लग जाए तो क्या बन जाता है एक्सप्रेस टाइम, ठीक है। जैसे मैं इसको हटा के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा।
जैसे मैंने बोला ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, ठीक है, तो आपको क्या सोचना है, आपको ये देखना है कि सिर्फ क्या लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है। सिंस मतलब कौन सा टाइम, एक्सप्रेस टाइम, बस समझ में आ गई। अब एक्सप्रेस टाइम का मतलब या तो परफेक्ट बनेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। अगर सर ये कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ये इंडेफिनिट है तो परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अब बस इतना देखना है आपको, तो गलती कहा, ये नहीं कि सर सिंस ही हटा दिया, सिंस नहीं हटाना है, यहां देखना है। तो आपने देखा सर कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो जेन की बात है तो क्या लगाना पड़ेगा, ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। समझ में नहीं, मैंने बोला आई लिव इन दिस हाउस फोर या सिंस फाइव ईयर्स। देख के बताओ क्या आएगा, सही है गलत है। तो आपने सबसे पहले देखा सर ईयर्स में नंबर लगा हुआ है तो फोर आएगा, सिंस तो नहीं आएगा, बस समझ में आएगी। अब फोर जो है सर कौन सा टाइम होता है, एक्सप्रेस टाइम होता है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या बनाओ सर, इनडेफिनेट है तो सर परफेक्ट बनेगा, तो ये लिव नहीं है, क्या बोलोगे, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस। बात समझ में आई, देखो खाली देखना क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन ऐसा आता है He has done it last year. देखिए बताओ सही गलत है। अब आपने कहा नहीं नहीं सर ये एक्सप्रेस टाइम नहीं है, ये कौन सा टाइम है बताओ। आपने कहा सर ये तो खाली पॉइंटेड टाइम है। मैंने कहा पॉइंटेड टाइम कैसे हुआ, क्योंकि सर इसमें सिंस एंड फोर नहीं है तो पॉइंटेड टाइम हुआ। अब जब पॉइंटेड टाइम होगा तो या तो इंडेफिनिट और या तो इंडेफिनिट बनेगा या तो कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो सर कंटिन्यू तो है नहीं तो कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इंडेफिनिट। अब पास्ट की बात तो क्या बोलोगे, ही डिड इट लास्ट ईयर। समझ में आया, देखो टेंस में खाली दो चीजों को समझना, पॉइंटेड टाइम एक्सप्रेस टाइम। पॉइंटेड टाइम आएगा तो इंडेफिनिट होगा या कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट और एक्सप्रेस टाइम होगा तो या तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसका पता कैसे चलेगा, इसमें सिंस आएगा फोर आएगा। सिंस आएगा कब, जब किसकी बात हो, वीक हुआ, डे हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ, इनका नाम दिया हो। ठीक है, वीक का तो क्या ही नाम देगा, और जब नाम ना देके उनके आगे नंबर लगा 1 2 3 लिखा हो तो फोर आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो एक दो एग्जांपल जो है उसमें आए हुए हैं, मैं हटा दूं, इसको लिखते जाइए और देखिए प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली जितने मेथड है वो सब समझ में आ जाएगा। और जब आप जाके बुक में लगाएंगे तो आप देख के लगाएंगे, बिना कुछ मतलब ज्यादा दिमाग लगाए खाली देखेंगे और लगा देंगे, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। जैसे एक दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं उनके मैं देखता हूँ क्या है। जैसे ये है माय देख के बताएं सही होना क्या होगा, देखिए बताएं। देख के बताएं, आपने कहा सर 8 दिया हुआ है, आर के पहले क्या लगा हुआ है सर, नंबर लगा हुआ है तो 4 आएगा, सेंस नहीं आएगा। लेकिन ये कौन सा टाइम होता है सर, एक्सप्रेस होता है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी कॉन्टिन्यूस परफेक्ट का या कोई भी परफेक्ट टेंस। तो आपने बोला सर कॉन्टिन्यू काम है तो कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। बात समझ में आ गई, जैसे मैंने बोला ही हैज बीन हियर सिंस योर
फॉर मंडे, देख के बताओ क्या है सही है। He has been here since या फॉर मंडे, तो आपने कहा सर मंडे है, मंडे क्या डे का नाम है तो सिंस आएगा, और आएगा तो परफेक्ट टेंस बनेगा। जी हाँ परफेक्ट बना हुआ क्वेश्चन क्या है, एकदम सही। बात समझ में आ गई, देखिए इसे। जैसे एक और क्वेश्चन यहां लिखिए, मैंने बोला कि देख के बताइए सही है गलत है। तो आपने कहा सर यस्टरडे मॉर्निंग पॉइंटेड टाइम में क्या लगा हुआ, सिंस या फोर, तो इसका मतलब क्या है, सिंस फोर, सिंस आएगा तो कौन सा टाइम है, एक्सप्रेस परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस, क्या परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है। बात समझ में आ गई, ठीक है तो मैं इसे हटा देता हूं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंटेड टाइम और जो एक्सप्रेस टाइम मैंने बताया है आपको ही समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही You told me that he wrote a letter to his superior again for a certain reason. उसके बाद है नो, तो देख के बताइए। क्या गलत है? अब आप ये कहेंगे सर यहां पे जो है फोर तो दिया है, असर्टेन रीजन दिया हुआ है, चलिए ठीक है, लेकिन सही कैसा होगा? देखिए ऐसा नहीं कि आपको हमेशा जो है क्या देगा आपको हमेशा सिंस एंड फोर देगा, ऐसा नहीं है। वहां पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या मैंने आपको बताया, कोई भी काम पॉइंटेड टाइम का मतलब होता है किसी भी काम का टाइम पे हो जाना, ये होता है पॉइंटेड टाइम, आए ना, टाइम पे क्या होना, किसी काम का होना, और एक होता है टाइम पे काम ना होना तो टाइम से पहले होना, और जब टाइम से पहले होता है तो क्या बनता है, परफेक्ट, और जब टाइम पे होता है तो क्या बनता है, इंडेफिनिट। अब ही टोल्ड मी, जब उसने मुझे कहा, ही टोल्ड मी, ध्यान से समझना, जब उसने मुझे कहा तो उसके मुकाबले ये जो काम है उस टाइम पे हुआ है या उससे पहले हुआ है, बस इतना बता दो। बोला ही टोल्ड मी दैट, जब उसने मुझे बोला ही wrote a letter to his, तो इसका मतलब इस बोल इन दोनों काम में से इससे पहले ये वाला काम हुआ है। तो मैंने बताया जो भी काम पहले होगा परफेक्ट बनता है, तो पास्ट में नहीं आएगा, क्या आएगा, राइट के साथ, ऐसा चेक करते हैं। कोई भी काम टाइम पे है तो क्या बनता है, इंडेफिनिट। अब कोई भी काम टाइम से पहले है तो क्या हुआ, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए ध्यान समझ, जैसे मैंने बोला शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अ थीव बिफोर, देख के बताएं सही है। She told me that she was a thief before marriage. तो आप एक बार बताइए क्वेश्चन कैसे सही होगा।
शी टोल्ड मी, जब उसने मुझसे कहा, तो उस टाइम पे है या उस टाइम से पहले है? आपने कहा सर ये वाला जो काम है इस काम से पहले है, तो क्या बनना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, तो क्या बनेगा? हैव। और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म क्या है सर? हैव, तो थर्ड फॉर्म तो नहीं क्या लगा दिया? क्या बोलोगे? शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन अ थीव बिफोर। ठीक है, बात समझ में आई। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने ना एक चीज पढ़ी होगी, क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वहां पे एक मेथड है, वहां पे क्या है कि जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनका पास्ट हो जाता है, और जो पास्ट इनडेफिनेट होता है उसका बना देते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब वहां में ये सिखाया जाता है कि आपको जो है इसको याद कर लो कि जितने प्रेजेंट है उनका पास्ट हो जाता है, ये तो है, जितने प्रेजेंट है उनका पास्ट हो जाता है। जैसे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ तो पास्ट इंडेफिनेट बना देंगे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस बना देंगे प्रेजेंट, ठीक है। और जितने भी पास्ट है जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, समझ गए? ये नियम होते हैं, ये जो है हमें याद करने पड़ते हैं। देखो इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चों याद करना पड़ता है, सब कहीं ना कहीं से बनते हैं। देखो ये जो है शी टोल्ड मी दैट, क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का? इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और इसी से हमने पास्ट इंडेफिनिट का क्या बना दिया है? पास्ट परफेक्ट, और क्या है? हैड के साथ। तो ये जो मेथड जो हमें वहां बोला जाता है कि याद कर लो, वो याद नहीं करना पड़ता, वो बनता कैसे कि सर ये वाला काम इसके मुकाबले ये वाला काम टाइम पे होता है और ये इससे पहले होता है, इसलिए ये परफेक्ट बनाया जाता है। देखिए जैसे यहां मैंने बोला ही टोल्ड मी, जब उसने मुझसे बोला उसके मुकाबले ये काम क्या है इससे पहले, तो इसलिए क्या बनाया? परफेक्ट। और वैसे नियम क्या है? याद कर लो। क्यों याद कर लेंगे कि सर पास्ट इंडेफिनिट है, डायरेक्ट इंडेफिनिट बना है, तो सर पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो इसके साथ हेड के साथ रिटर्न लगा दिया। नहीं, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, समझ में है? तो हटा दूं मैं इसको। तो कहने का मतलब ये जो मेथड, ये जो यहां पहुंचे जाता है ना, जो हमसे बोला जाता है कि भाई याद कर लो, वो यहां से बन के वहां जाते हैं, ठीक है। और आपको याद नहीं करना, आपको खाली एक बात समझनी है, टाइम पे काम हुआ तो इंडेफिनिट बन जाएगा, टाइम से पहले हुआ तो परफेक्ट बन जाएगा, पॉइंट टाइम होगा तो इंडेफिनिट कंटिन्यूस बनेगा, एक्सप्रेस टाइम होगा तो क्या बनेगा? परफेक्ट बनेगा या परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, और उसमें सिंस एंड फॉर आ जाएंगे, सीधी सी बात है, समझ में आया? एक दो एग्जांपल बोल देते हैं, ठीक है, हटा दो इसको। मैंने बोला आई एम, देख के बताएं क्या सही है क्या गलत है। तो आपने देखा ध्यान से कि सर कंटिन्यूस बना है, ठीक है, एट माय एट माय प्रेजेंट जो, ठीक है, फिक्स बता रहा है, ओहो सिंस दे दिया, तो सिंस से क्या समझ में आया सर? सिंस मतलब कौन सा टाइम? एक्सप्रेस टाइम। जब एक्सप्रेस टाइम आता है तो क्या बनता है? या तो जी परफेक्ट बनेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। ये क्या बना हुआ? ये तो खाली कॉन्टिन्यूस है, क्या बना दो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई के साथ क्या जाएगा? है के साथ बीन वर्ड। तो गलती कहां थी? फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो की पॉइंट है उसको लिख देता हूं, मैं हटा देता हूं उसको। किसे जहां पे भी आपको पॉइंटेड टाइम मिला, दो ऑप्शन पॉइंटेड टाइम मैंने आपको लिखा है, इंडेफिनिट बनेगा या कॉन्टिन्यूस बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी आपको क्या दे देगा? एक्सप्रेस टाइम दे देगा। ये क्या होता है? जिसमें सिंस लगा होता है, फॉर लगा होता है, ठीक है। सिंस क्या होता है?
जब नाम दिया हुआ किसका, डे मंथ ईयर ठीक है, आर मिनट ठीक है, लेकिन अगर इनका नाम दिया हुआ है जैसे डे का नाम दे दिया, मंडे दे दिया ठीक है, मंथ का नाम दे दिया, क्या दे दिया जून जुलाई ठीक है, ईयर का 2010 या कोई भी 2007 या पॉइंटेड टाइम, पॉइंटेड टाइम ठीक है। तो समझ जाना क्या होगा एक्सप्रेस टाइम, और ये जब भी आएगा या तो वो परफेक्ट बनेगा या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, बात समझ में आ गई। अब यही टाइम जो है अगर किसी इंडेफिनिट में आता है, इंडेफिनिट सेंटेंस में क्या आता है, एक्सप्रेस टाइम आता है, तो क्या बन जाता है, परफेक्ट बनता है। बात समझ में आ गई, लेकिन यही टाइम किसके साथ आता है, कॉन्टिन्यूस के साथ आता है, क्या एक्सप्रेस टाइम तो बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इस एक्सप्रेस टाइम में ये भी आते हैं, जैसे मान लो कुछ वर्ड आते हैं, जैसे द होल हो गया, द होल डे आता है, थ्रू आउट आता है ठीक है, और द होल डे हो गया, थ्रू आउट हो गया, और एवर भी आता है, ये एवर हो गया, ये भी आएगा ठीक है। तो ये भी कहां आते हैं, एक्सप्रेस टाइम में ही आते ठीक है। देखो अगर लास्ट आएगा, लास्ट प्लस टाइम आएगा, यहीं पे लिख देते हैं, लास्ट प्लस टाइम आया तो सिंस लगा देना, और द लास्ट आएगा तो फोर लगा देना, लेकिन ये दोनों आएंगे किस में, इन में आएंगे ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, कोई भी काम टाइम पे होता है तब भी वो इंडेफिनिट बनेगा, कोई काम टाइम से पहले होता है तो क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई ठीक है। तो आप इन सब चीजों को अगर ध्यान में आपके या ध्यान में होंगे तो आपका किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं हटेगा। आप इसको पढ़िए, जितना मैंने आपको बताया आप उसे लाइन से पढ़िए, उसके बाद जो है आप जाके क्वेश्चन लगाइए, आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे ठीक है। और जब आप इन्हें समझ लेंगे, हो सकता है कि समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप इन्हें समझ लेंगे उसके बाद आपके क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे। मुझे कमेंट में बताना कि सर आपने बताया था, ये देखते क्वेश्चन खत्म हो गए ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको ठीक है। इसके बाद एक कंडीशनल का बनता है ठीक है, तो कंडीशनल तो चार पांच ही होते हैं ठीक है, तो मैं कंडीशनल जो है आगे ले आऊंगा, बाकी इसके बाद में क्लॉज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।